एंकर कॉम्पिटिटिव क्लासेस दरभंगा में आपका स्वागत है। आइए आरआरबी ग्रुप डी का साइंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए आपके सामने पहला क्वेश्चन। एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक 1.5 यानी अपवर्तनांक को सूचित क्या चीज से करते हैं, तो म्यू। म्यू इज इक्वल टू 1/1.5। प्रकाश की गति क्या होगी, तो यहाँ से एक फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू 3×10⁸ बाय माध्यम में प्रकाश की चाल। जैसे माध्यम में प्रकाश की चाल, यह हमारा फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ से प्रकाश का चाल निकालना है, यानी यहाँ म्यू नीचे आ जाएगा। म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 3×10⁸ और म्यू का वैल्यू 1.5 और ये हमारा प्रकाश की गति हो जाएगा। प्रकाश की गति यहाँ से 1.5×3 यानी प्रकाश की गति कितना हो जाएगा माध्यम में, 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। चाल का मात्रा की मीटर प्रति सेकेंड और यहाँ से ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर दे। बल द्वारा किया गया क्या होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या दिया हुआ है। 10 न्यूटन, न्यूटन यानी कि बल, बल को एफ से डिनोट करते हैं। यह है 10 न्यूटन जो दिया हुआ है और यहाँ पे 5 kg, m इज इक्वल टू 5 kg और यहाँ पे दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित, दूरी तक विस्थापित यानी इसका यानी 2 मीटर। तो यहाँ से हमको निकालना क्या, बल द्वारा किया गया कार्य यानी यहाँ पे किया गया कार्य W निकालना। हम यहाँ से एक फॉर्मूला जानते हैं कि W बराबर होता है F×S और यदि कोण के साथ विस्थापित होता है तो cos थीटा जो, तो यहाँ से W बराबर FS यानी F का वैल्यू यहाँ से 10 है और S यानी विस्थापित कितना हुआ 2, 10×20 कार्य का मात्रक जूल, 20 जूल। ऑप्शन बी राइट आंसर।